अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान, बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रिंसेस दुर्रेश्वर में, जहां पर छोटे मासूम बच्चों की और ख़वातीन के लिए हेल्थ चेकअप फ्री में हो रहा है। आइए इन चेकअप में सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं, पहले सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं। बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। मैं डॉक्टर आशीष सप्रे, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मेडिकवर हॉस्पिटल से। यहाँ पे छोटे बच्चों में जो जन्मजात हार्ट के तकलीफ़ें होती हैं उसके लिए इलाज के लिए यहाँ पे हमने कैंप लगाया, तो कैंप में स्क्रीनिंग करके और फिर देखेंगे किन को इलाज की ज़रूरत है उसके हिसाब से आज कैंप लगा। उमूमन देखा जाता है डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में होल्स रहते हैं, हार्ट के छोटे इश्यूज़ रहते हैं, पेरेंट्स पहचानते नहीं, लेकिन कई जनों को सर्जरी के लिए डॉक्टर्स फोर्स करते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं रहती, उन लोगों को कैसा डिटेक्ट करते हैं और कैसा पहचान देते हैं? देखिए, जो बच्चों के हार्ट के डिफेक्ट्स होते हैं वो करीब 100 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें से एक बच्चे को ये प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, तो ज़्यादातर बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। 30% अगर हम यानी देखें कि 100 बच्चे हैं जिनको जन्मजात कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें से 30 बच्चे को कोई ना कोई इलाज पहले एक साल की उम्र में करना पड़ता है, या तो जन्म के समय तुरंत बाद या फिर इसमें। अगर हम देखें तो ये जो हार्ट के तकलीफ़ें हैं बच्चों में ये दो तरीके की होती हैं। एक में बच्चा जो होता है वो पिंक कलर का नॉर्मल दिखता है, जैसे सारे हम दिखते हैं, हमारे हाथ पैर दिखते हैं वैसे, और कुछ बच्चे जो होते हैं उनको हम ब्लू बेबीज़ बोलते हैं, जिसमें उनका जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपस में मिलता है हार्ट के अंदर में, तो उन बेबीज़ को जल्दी डायग्नोस करना पड़ता है, यानी जल्दी उनका निजात करके उसका इलाज भी जल्दी करना पड़ता है। तो इस तरीके के दो लक्षण होते हैं। जो पिंक बेबीज़ होते हैं वो यूजुअली उनको सांस की तकलीफ़ें होती हैं, उनके वज़न नहीं बढ़ते हैं, उनको पसीना ज़्यादा आता है, बच्चा डाइट बराबर से नहीं ले सकता, छोटा बच्चा है तो वो माँ का दूध नहीं पी सकता है, तो ये सब तकलीफ़ें होती हैं, इसके कारण बार बार बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है या फिर उनको एडमिट कराना पड़ता है, निमोनिया होता है, तो ये सारे लक्षण होते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उमूमन केसेस में ये देखा जाता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर आजकल तो कि बच्चा जैसा पैदा होती कि उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्पिटल में जाए, तो उस दरमियान में क्या जो डॉक्टर्स रहते हैं उन लोग कंसर्न कर सकते हैं कि बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम है, इश्यूज़ रिकवरी कर सकते हैं? कि अमूमन कई बार तो बच्चों को 4-5 साल तक तो उनके माँ बाप को भी नहीं पता होता कि उसके हार्ट में सुराख है, तो ये इनिशियल स्टेज में पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स? देखिए, अभी अगर हम देखें तो सारे बच्चों का अगर हम जो हार्ट की जाँच होती है इकोकार्डियोग्राफी, वो करना तो बहुत मुश्किल है, उसमें हमारा बहुत सारे रिसोर्सेस लगेंगे तो वो तो नहीं हो सकता है। बट एक जनरल स्क्रीनिंग जो कार्डियक डिजीज़ेस के लिए होती है वो न्यूबॉर्न के टाइम पे ज़रूर से होनी चाहिए, और जो हमारे अच्छे ट्रेन पेडियाट्रिशंस हैं उनको ये पता होता है कि कैसे ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो जन्म के समय पहले 3 दिन में ये स्क्रीनिंग हो सकता है, तो उसका एक मेथड होता है, वो स्क्रीनिंग हम वैसे भी हम पीडियाट्रिक्स डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करते रहते हैं, उसमें उनको सिखाते हैं, तो वो ज़रूर से करना चाहिए। और फिर बच्चे जब वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो उस टाइम पे भी एक बार जब कोई अगर डॉक्टर अच्छे से उनका ऑस्कल्टेशन करता है यानी हार्ट की जांच करता है तो उसमें वो पकड़ में आ सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार अगर वो पकड़ में कुछ आ रहा है तो ज़रूर से अच्छे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के उसकी कंप्लीट जांच करवानी चाहिए, और फिर वो जो भी सलाह देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जैसा कि आपका मानना है कि ज़रा भी शक और शुभा में अगर आ गए तो उसकी स्कैनिंग फुल कराइए, लेकिन इनिशियल स्टेज में स्कैनिंग करा के आप देख ले सकते कि हो लगा। आज आप यहाँ का लेडीज़ का भी आपके पास यहाँ पर चेकअप चल रहा है, तो लेडीज़ के लिए आपका क्या राय है डॉक्टर साहब? लेडीज़ के लिए हम मैं क्वालिफाइड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं केवल बच्चों के हार्ट के लिए एग्जामिन कर रहे हैं। मदर्स में जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें कभी कभी हम जैसे कोई हाई रिस्क मदर होती है, प्रेग्नेंट मदर है, उनका हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, पर वो इस तरीके के कैंप में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए स्पेशल मशीन्स होते हैं उसके ऊपर हम करते हैं। आज आपके कैंप में कई सारे बच्चे आए हैं चेकअप कराने के लिए, तो आज आपके कैंप में कितने बच्चों को हार्ट में होल डिटेक्ट हुआ और उनमें से कितनों को सर्जरी कंपलसरी है, कुछ उसके बारे में आप बता सकते हैं? अभी 2 बच्चे हमने देखे हैं जिनको हार्ट में प्रॉब्लम आए हैं, एक को एक वाल्व में लीकेज है, तो उसको ज़रूर से उसको सर्जरी करना पड़ेगा,
क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम है बच्चे को, दूसरे बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर अभी मुझे लगता नहीं कि कुछ करने की ज़रूरत है। हम उसको फॉलोअप करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसा है। तो अब जो ये फ्री जो कैंप जो चल रहा है बच्चों के लिए, तो अब नेक्स्ट मुहिम जैसा कि आप अब नेक्स्ट स्टेज आपका कहाँ रहेगा, कहाँ मूव ऑन होंगे आपकी ये फ्री चेकअप बच्चों के लिए? ये तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो हम कुछ टाई अप करेंगे इनके साथ में और डिसाइड करेंगे। मोस्ट लाइकली हम यहाँ पे कुछ रेगुलर अपनी सर्विसेज देना चाहेंगे एक फिक्स टाइमिंग्स पे, तो जिसमें हम सारे बच्चों को स्क्रीन करके और फिर उनके इलाज जैसे भी संभव होगा वैसे कर पाएंगे। बोलता तेलंगाना आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, और ऐसी फ्री खिदमत और सेहतमंद तेलंगाना बनाने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बोलता तेलंगाना को टाइम देने का। शुक्रिया।